Okay, good evening everyone. I hope you guys are doing great. As promised, today in this session we will discuss important questions from professional ethics chapter. देखो बच्चों, आपके लिए professional ethics का detailed revision हमने तीन part में already upload कर दिया है. Part 1 के अंदर हमने first schedule discuss किया था, second lecture के अंदर हमने second schedule discuss किया था, and जो third lecture था उसके अंदर हमने council के important guidelines, important sections of Chartered Accountants Act 1949, as well as जो fundamental principles थे उसका भी revision आपके लिए करवा दिया था. This was all done. अब हम कुछ important questions ethics से discuss करेंगे. बच्चों मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इफ यू रिवाइज्ड द एंटायर एथिक्स विद मी यू शुड ऑल्सो बिकम कंफर्टेबल विद व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आईसीआई विल आस्क, हाउ डू वी आइडेंटिफाई यू नो व्हाट टू राइट, व्हाट वी नीड टू राइट इन दैट आंसर, एंड हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर. देखो एथिक्स में ना दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. एक ना आपको शेड्यूल बेस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि भाई एक सिचुएशन देगा जहां पर वो आपसे इनडायरेक्टली पूछने का ट्राई करेगा कि यहां पर इस सिचुएशन में मेंबर गिल्टी है या नहीं है. अगर सर वो गिल्टी है तो आपको बताना पड़ेगा कि पहले आपके सबसे एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 फर्स्ट शेड्यूल के कौन से क्लॉज में ये सिचुएशन को डिस्कस किया है, सेकेंड शेड्यूल के कौन से क्लॉज में सिचुएशन को डिस्कस किया है, पहले वो बताना पड़ेगा, फिर वो फैक्ट ऑफ द केस बताना पड़ेगा, एंड कंक्लूड करना पड़ेगा कि क्यों इस केस के अंदर मेंबर गिल्टी होना चाहिए या गिल्टी नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली ऐसे केसेस में कभी कभी हो सकता है वो सेकंड शेड्यूल के अंदर जो हमारे क्लॉज नंबर 5, 6, 7, 8 थे वहां पर मल्टीपल क्लॉजेस आ सकते हैं, लाइक 7 और 8 साथ साथ में आ सकता है. मतलब मल्टीपल क्लॉजेस कैन बिकम एप्लीकेबल इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन. कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखेंगे, कुछ एकदम इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखेंगे जहां पर क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेगा कि मेंबर गिल्टी है, पर आईसीआई का आंसर आएगा मेंबर इज नॉट गिल्टी. ऐसा भी कैसे हो सकता है. प्योरली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हाउ टू लुक एट दीज क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर, ये हमारा डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव होगा. कैन वी गेट स्टार्टेड गाइस, चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस. ये हमारे Q&A मॉड्यूल के अंदर, हमने Q&A मॉड्यूल में क्या किया बच्चों, जो आईसीआई के लेटेस्ट स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस थे उन्हें इंक्लूड किया है, जो आईसीआई ने रीसेंट टाइम्स में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं उनको इंक्लूड किया है, प्लस जो ओल्ड आरटीपी एमटीपी के अच्छे क्वेश्चंस थे जो हमको लगता है आपने प्रैक्टिस करने चाहिए उन्हें भी इंक्लूड किया है. एक अच्छा कंपाइलेशन करके दिया है क्योंकि एथिक्स में ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है इन कंपैरिजन टू ओल्ड सिलेबस, तो पुराने क्वेश्चंस काफी हद तक हमारे लिए क्या है, रेलेवेंट है. लेट्स गेट स्टार्टेड. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मार्क करके लाया हूं, 15-20 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं. देखो क्या बोलता है, बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस प्रोवाइड्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज टू हिज क्लाइंट्स. ओके, क्या ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइड करना अलाउड है? बिल्कुल, हमने सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 2 डीम्ड सीए इन प्रैक्टिस के अंदर पढ़ा था कि भाई एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ सर्विसेज दी है जो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड कर सकता है. During 2020, looking at the growing needs of his clients to invest in the stock market. Obviously, वो time market के अंदर एक significant fall आया था, then there was a V-shaped recovery. He also advised them on portfolio management services, whereby he managed portfolio of some of his clients. मैंने आपको जब सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 2 डीम्ड सीए इन प्रैक्टिस पढ़ाया था, आपको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इन अदर सर्विसेज की लिस्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज मार्क करवाई थी, एंड एक नोट मार्क करवाया था कि भाई स्पेसिफिकली बोला है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, मना ही करके दिया है फॉर अ प्रैक्टिसिंग सीए. तो अगर आपने ऐसा किया है विल यू बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? यस. अब इस केस में ना कोई क्लॉज नंबर लिखने का जरूरत नहीं है, यहां पर ये लिखने का जरूरत है कि भाई ये डिस्कशन किधर हुआ था. ये डिस्कशन हुआ था सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 2 डीम्ड सीए इन प्रैक्टिस वाले एरिया के अंदर, वहां का रेफरेंस आएगा. तो देखो क्या बोलता है, advising on portfolio management service. देखो, the council of the institute under section 2 subsection 2 has passed a resolution permitting management consultancy and other services, but at the same time उन्होंने क्या बोला, specifically state किया that CA in practice is not permitted to undertake activities related to broking, underwriting and portfolio management services. मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि भाई सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 2 का रेफरेंस देंगे जहां पे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज का लिस्ट दिया है,
है और क्लियरली बोलेंगे दैट उन्होंने प्रोहिबिट किया एक मेंबर इन प्रैक्टिस को टू प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज. अगर आप ऐसा सर्विस प्रोवाइड करोगे विल यू बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. यस. देखो दस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज नॉट परमिटेड टू मैनेज पोर्टफोलियो ऑफ हिज क्लाइंट्स. इन दिस व्यू यू विल बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट. और याद रखना अगर एक कोई भी मिसकंडक्ट किधर भी किसी भी क्लॉज में कवर नहीं होता है तो याद रखना सेकंड शेड्यूल का पार्ट टू क्लॉज नंबर वन कॉन्ट्रोवेंशन विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी ऑफ द रेगुलेशन और काउंसिल गाइडलाइंस यू आर स्टिल हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. वो रेफरेंस करने का जरूरत नहीं है. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि भाई डीम्ड सी इन प्रैक्टिस वाला सिनेरियो था जहां पर आपने काउंसिल ने डिसीजन लिया ये सर्विस आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि नहीं है. आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हो. देखो यहां पर ना चार मार्क के लिए मुझे चार पॉइंट लिखने पड़ेंगे पांच पॉइंट लिखने पड़ेंगे ऐसा मत सोचिए. आंसर सही होना चाहिए. तो भाई डीम्ड सीएन प्रैक्टिस वाला रेफरेंस आएगा. ये सर्विसेज प्रोवाइडेड नहीं कर सकते हो ये आएगा. एंड सर इस केस में आपने जो किया है आर यू गिल्टी और नॉट गिल्टी इतना आपको बताने का है. आर यू कंफर्टेबल विद दिस. चलो आगे अगले क्वेश्चन में जाते हैं. एक बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री. मिस्टर के वी आर ऑन पेज नंबर 19.3. मिस्टर के अ प्रैक्टिसिंग सीए gave 50% of his audit fees received by him to a non-chartered accountant. अपने फीस का कुछ पार्ट शेयर कर रहा है एक नॉन सीए के साथ में मिस्टर एल अंडर द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑफिस अलाउंसेस. याद है क्या हम हमारे फीस में से कुछ भी पार्ट इन द फॉर्म ऑफ अ शेयर कमीशन ब्रोकरेज किसी को भी नहीं दे सकते अनलेस वो दूसरा मेंबर ऑफ आईसीआई है अनलेस वो आपका पार्टनर है अनलेस याद कीजिए रिटायरिंग पार्टनर है डिकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकीज पार्टनर है या स्पेसिफाइड प्रोफेशनल बॉडी में से कोई है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिस्ट में से कोई है. इनके अलावा किसी को भी अपने फीस में से कुछ भी पार्ट का कमीशन वगैरह नहीं दे सकते. याद कीजिएगा आपको एक बात भी बोली थी सर आप ऑफिस अलाउंसेस का नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट नहीं है सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है. आप यहां पर फीस का एक पार्ट शेयर करके दे रहे हो इट इज एज गुड एज आप एक ब्रोकरेज पे कर रहे हो क्लाइंट को गेन करने के लिए. यू विल बी हेल्ड गिल्टी कहां पर फर्स्ट शेड्यूल पार्ट वन क्लॉज नंबर टू. अगर आपको याद आएगा देखिए कैसा आंसर लिखेंगे. एज पर फर्स्ट शेड्यूल पार्ट वन क्लॉज नंबर टू अ मेंबर शैल बी हेल्ड गिल्टी इफ अ सीए इन प्रैक्टिस पेज और अलाउज और अग्रीज टू पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी शेयर कमीशन और ब्रोकरेज in the fees or profits of his professional business to any person other than a member of the institute allow kiya gaya hai. Partner ko de sakte ho, retiring partner ko de sakte ho, legal representative of Dickey's partner se share kar sakte ho, member of any other professional body jiska list diya hai, unke saath mein ho sakta hai, ya such other person jinka qualification as may be prescribed. Other than them, kisi ko bhi agar aap dete ho, share, to sir, you will be held guilty of professional misconduct. Dekho, in the instant case you are giving 50% of your fees to a non CA under the nomenclature of a office allowances clearly bola tha clause ke andar nomenclature kya hai wo important nahi hai kis heading mein paisa diya hai kis reason ke liye paisa diya hai wo important nahi hai substance important hai ki paisa diya hai aur paisa diya hai matlab client lene ke liye paisa diya hoga isliye hum bolenge dekho it is not the nomenclature that is material but it is the substance that has to be looked into. Will you be guilty in this case? Absolutely. As a chartered accountant, you will be held guilty of professional misconduct. Confidence आ रहा है क्या? इसीलिए हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया. मैं हर आपको क्लॉज के अंदर वो इंपॉर्टेंट चीजें बताते गया मार्क करवाते गया जिन पे मुझे पता है नॉर्मली आईसीआई को क्वेश्चंस पूछना पसंद है. आई एम श्योर यू फीलिंग मोर कंफर्टेबल नाउ. जितने क्वेश्चंस हम देखेंगे उतना आपका रिविजन के बाद में क्वेश्चन देखने के बाद कॉन्फिडेंस एनहेंस होगा. Spend 2 minutes, look at the answer once again. सीधा clause क्या बोलता है, fact of the case क्या है, conclusion क्या है. चाहिए तो fact of the case और conclusion को आप merge भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. आगे बढ़े चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मिस्टर एक्स हु पास्ड हिज सीए एग्जाम ऑन 18 जुलाई 2020
started his practice from August 2020, okay, recently qualified CA hai. On 16th August, a female candidate approached him for articleship, okay. In addition to the monthly stipend, he also offered her 1% of the profit of his CA firm. Bizarre hai, aisa normally nahi hota hai. It's a weird circumstances. She agreed to take both 1% as well as stipend as per the rate prescribed by ICAI. The Institute of India sent a letter to Mr. X objecting the payment of 1% profit. Mr. X replies to ICAI stating that he is paying 1% over and above the stipend to help the article clerk as the financial position is very weak. Dekho, कोई भी लॉजिक एक्सेप्टेबल नहीं है. इट्स सिंपल, आप अपने प्रॉफिट का एक पार्ट निकाल करके किसी से शेयर कर रहे हो. क्लियरली हमारा फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट वन का क्लॉज नंबर टू अलाउ भी नहीं करता है. सेम क्लॉज जो ऊपर पड़ा था वही एप्लीकेबल है इस केस के अंदर. आपका कोई भी रीजन लॉजिकल रीजन नहीं माना जाएगा जो स्पेसिफिकली फर्स्ट शेड्यूल पार्ट वन क्लॉज नंबर टू बोलता है. उनके अलावा किसी से भी हम हमारे प्रॉफिट्स का पार्ट शेयर नहीं कर सकते. अगर करते हैं विल वी बी हेल्ड गिल्टी इन दिस केस? यस. इधर भी सेम सिचुएशन है, पूरा क्लॉज सेम ही आने वाला है. देखो फर्स्ट शेड्यूल पार्ट वन क्लॉज नंबर टू एकदम सेम चीज है. अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही पेज और अलाउज और अग्रीज टू पे. फर्स्ट टाइम एज इट इज आया, क्लॉज एज इट इज आया, पूरा का पूरा क्लॉज लिखा हुआ है यहां पे एज इट इज. अब देखो इन व्यू ऑफ द अबव जो आईसीआई का ऑब्जेक्शन है वो बराबर है एंड जो मिस्टर एक्स ने रिप्लाई दिया है कि हम 1% देते हैं ओवर एंड अबव स्टाइपेंड टू हेल्प द आर्टिकल क्लर्क्स फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट टीनेबल, मतलब इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. उनका रिप्लाई लॉजिकल नहीं है, इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्शन बिल्कुल बराबर है. इन दिस केस कैन यू बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? यस. Conclusion, Mr. X will be held guilty of professional misconduct. क्या आपको थोड़ा confidence आ रहा है क्या अभी? एक बार अगर आपने बराबर से सारे clauses को revise कर लिया, let them ask whatever question they want to ask, clause, fact of the case and conclusion, guilty है या नहीं है. Are you feeling comfortable now? आगे बढ़े, चलो एक question और देखते हैं. आइए क्वेश्चन नंबर 5. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, हालांकि आपको आंसर समझेगा, क्लॉज नंबर पिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. देखिए क्या बोलता है. Messrs. XYZ, a firm in practice, develops a website xyz.com. Website बनाया है. The color chosen for the website is a very bright green. याद कीजिएगा, website के लिए council की guidelines पढ़ाए थे आपको मैंने. Color कौन सा choose करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. Important क्या था? अननेसेसरी पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए. क्लाइंट का नाम, क्लाइंट की फीस वगैरह मेंशन नहीं होने चाहिए अनलेस रिक्वायर्ड बाय अ रेगुलेटर. वेबसाइट वाज टू रन ऑन अ पुश टेक्नोलॉजी वेयर द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स एंड मेजर क्लाइंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट विदाउट एनी डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन फ्रॉम एनी रेगुलेटर. भाई गलत है, याद कीजिएगा, पुल मॉडल पे रन होना चाहिए, पुश पे रन नहीं होना चाहिए. एंड क्लाइंट वगैरह के डिटेल्स एंड फीस के डिटेल्स अनलेस रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर हमने वेबसाइट पे नहीं देने चाहिए. इज दिस वेबसाइट इन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाय आईसीआई? अब देखो इधर ना एक्चुअली में गाइडलाइंस क्या अलाउ करती क्या नहीं अलाउ करती है वो लिखना चाहिए. क्लॉज नंबर ना भी लिखूं तो भी चल जाएगा ऑनेस्टली, बट क्या है ना, वेबसाइट इज अ वे बाय विच व्हाट यू आर डूइंग योर एडवर्टाइजिंग. डू यू गेट माय पॉइंट? तो आप कैसे एडवर्टाइज कर रहे हो यह क्लॉज नंबर 6 में कवर होता है, क्या एडवर्टाइज कर रहे हो वो 7 में कवर होता है. तो जो वेबसाइट है वो क्लॉज नंबर 6 के अंदर ही मेंशनड ही है. तो आप क्लॉज नंबर 6 याद है तो बढ़िया बात है, अदरवाइज काउंसिल का गाइडलाइन क्या अलाउ करता है क्या अलाउ नहीं करता है वो लिखो. फैक्ट ऑफ द केस में क्या हुआ है और कंक्लूजन बताओ कि कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुश मेथड से प्रॉब्लम है एंड अपने क्लाइंट की डिटेल्स एंड फीस वगैरह बताना अनलेस रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ काउंसिल गाइडलाइन. पढ़िए, द काउंसिल हैज अप्रूव्ड दैट यू कैन पोस्ट डिटेल्स ऑन वेबसाइट एंड इसका रेफरेंस दिया है अंडर फर्स्ट शेड्यूल पार्ट वन क्लॉज नंबर 6 सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस. देखिए डिटेल्ड गाइडलाइंस नहीं लिख रहा है बट जो क्वेश्चन से रिलेटेड गाइडलाइंस है वो बता रहा है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द कलर टू बी यूज ऑन वेबसाइट, द वेबसाइट शुड रन ऑन पुल टेक्नोलॉजी एंड नॉट ऑन पुश
and name of the client and fees charged should not be given unless it is required by a regulator. However, disclosure or fees charge is permissible only where it is required by a regulator. Where such disclosure is made on the website, the firm should ensure clearly mention karte hain ki the disclosure is purely made under the requirement of a regulator. Matlab humko ye bhi mention karna padta hai, ye in regulator ki requirement hai, iski wajah se details di hai, वरना ये डिटेल्स हम नहीं देते थे. ये हमने गाइडलाइंस जो एक्चुअल है वो लिख करके दी है. अब आता है कंक्लूजन. इन दिस केस कोई रिस्ट्रिक्शन कलर पे नहीं है, बट सर यू हैव फेल्ड टू सेटिस्फाई द अदर टू गाइडलाइंस. कौन कौन सा? पुश टेक्नोलॉजी यूज किया रादर देन पुल, प्लस बिना रेगुलेटर के रिक्वायरमेंट के भी आपने बहुत सारे क्लाइंट के डिटेल एंड फीस के डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए हैं वेबसाइट पे, जो कि गलत है. विल यू बी हेल्ड गिल्टी इन दिस केस? यस. तो ऐसा माना जाएगा आप काम सॉलिसिट करने का ट्राई कर रहे हो थ्रू अनफेयर मींस विच इज नॉट ओपन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्या आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया? गया ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. गाइडलाइन पे था, क्लॉज से इंटरकनेक्टेड है. क्लॉज नहीं भी याद आए, एक चीज नोटिस करो, यहां क्लॉज नंबर 6 डिटेल में नहीं लिखा है इन्होंने, क्लॉज में सिर्फ रेफरेंस दिया है. डिटेल में क्या लिखा? गाइडलाइन लिखा है. इसीलिए गाइडलाइन लिखना बहुत जरूरी है. इसीलिए हमने आपको गाइडलाइन डिटेल में पढ़ाई भी थी और बताया भी था कि ये गाइडलाइंस एज इट इज आनी चाहिए. हाँ, क्लॉज नंबर 6 मेंशन नहीं करता हूं, शायद आपका एक मार्क कट भी जाए, या मे बी कुछ मार्क्स डिडक्ट ना भी हो, इट्स ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज यहां पे 6 का रेफरेंस कम है, गाइडलाइंस का रेफरेंस ज्यादा है. क्योंकि क्वेश्चन में भी ना क्लॉज नहीं पूछा, क्वेश्चन में भी देखो क्या पूछा, इज द वेबसाइट इन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाय आईसीआई. सो द क्वेश्चन इज ऑन गाइडलाइंस ओनली, 6 का बस रेफरेंस दिया है. रीड द आंसर वंस अगेन, इफ यू आर कंफर्टेबल वी विल गो नेक्स्ट. ठीक लग रहा है? कंफर्टेबल लग रहा है? चलो आइए क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 19.6. अ प्रैक्टिसिंग सीए यूजेस अ विजिटिंग कार्ड इन विच ही डेजिग्नेट्स हिमसेल्फ बिसाइड्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ही आल्सो यूजेस अ डेजिग्नेशन कॉस्ट अकाउंटेंट. आपको मालूम है 6 के अंदर आप कैसे एडवर्टाइज करते हैं, 7 के अंदर आप क्या एडवर्टाइज करते हैं, और क्लियरली बोलते हैं यू शुड नॉट यूज एनी अदर डेजिग्नेशन अदर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. चाहे आप एडवोकेट है, लॉयर है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, आप ऐसे डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते. क्लॉज नंबर 7 का रेफरेंस आएगा, ये जो आपने किया है वो गलत है. क्या हम इनिशियल यूज कर सकते हैं? दैट यू आर अ मेंबर ऑफ आयरलैंड सीपीए, यू आर अ मेंबर ऑफ आईस, मतलब यू नो आप इनिशियल ऑफ द इंस्टीट्यूट यूज कर सकते हो, बट कंप्लीट डेजिग्नेशन अलाउड नहीं है. देखिए, as stated in clause number 7 of first schedule part 1, a CA in practice cannot use any designation other than that of a chartered accountant. Thus, it is improper for a CA to state in his documents that he is a cost accountant. Wo sirf ek tarike se ye complete designation nahi use kar sakta hai, wo bas कुछ ऐसे इनिशियल लेटर्स यूज हो सकता है जो इंडिकेट करते हैं कि आपके पास में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट का क्या है, मेंबरशिप है, बट यू कैन नॉट यूज द डेजिग्नेशन कॉस्ट अकाउंटेंट. ये क्लॉज नंबर 7 क्लियरली बोलता है, आपको बताया भी था. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? थोड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन ढूंढने भी. आइए क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 19.8. थोड़ा केयरफुली पढ़िएगा, बढ़िया क्वेश्चन है. XYZ has applied to a bank. It's a company. Loan ke liye bank ko apply kiya. Bank on studying the financial statement notices that you are the auditor and request you to call the bank. You know, they ask you to come to the bank for a discussion. Matlab XYZ a company hai. Usne bank ke pas, HDFC bank ke pas mein let's say loan ke liye apply kiya. HDFC bank ko aapka sign dikha, detail dikha. To HDFC bank aapko bulata hai discussion ke liye. Achha. The bank asks you your opinion regarding the company. They also ask you detailed information regarding few items in the financial statements. The information is available in your working paper file. What should be your response? एक बात सुनिए, यहां पर बैंक के पास में कंपनी ने अप्लाई किया. ऐसा क्वेश्चन ट्रिकी होता है, ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको. बैंक के पास में कंपनी ने अप्लाई किया फॉर अ लोन. आपको कंपनी नहीं बोल रहा है कि आप बैंक के पास जाओ, बैंक आपको बुला रहा है. यहां पर कोई क्लाइंट का कंसेंट अवेलेबल नहीं है, आपको वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है. तो याद कीजिएगा, यू आर अ सीए इन प्रैक्टिस,
यू आर अ सीए इन प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज कौन सा है हमारा? सेकंड शेड्यूल पार्ट वन क्लॉज नंबर वन। हमने कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। एंड याद करो, वर्किंग पेपर तो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, उसका भी एक्सेस किसी और को देने से पहले सोचना चाहिए हमने, क्योंकि इसके ऊपर हमारा इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। तो सर यहां पर क्लॉज नंबर वन का रेफरेंस आएगा, पर एक बात समझना, यहां वो इनडायरेक्टली बोलेगा कि अनलेस रिक्वायर्ड बाय क्लाइंट और अनलेस परमिटेड बाय क्लाइंट और रिक्वायर्ड बाय लॉ, आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो यू कैन बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। पढ़िए, एज पर सेकंड शेड्यूल पार्ट वन क्लॉज नंबर वन, अ सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डिस्क्लोजेस इंफॉर्मेशन टू एनी पर्सन अदर देन हिज क्लाइंट विदाउट द कंसेंट ऑफ क्लाइंट और विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, देन यू कैन बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। देखो ऐसे 200 का रेफरेंस आया है, क्योंकि आपके जो कोड ऑफ एथिक्स है उसका रिक्वायरमेंट ऐसे में 200 के अंदर दिया है कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा कंसिडर करनी चाहिए, कभी भी उसे ब्रीच नहीं करना चाहिए, इसलिए 200 का रेफरेंस आया है। अगर मैं 200 का रेफरेंस ना भी दूं, बस फंडामेंटल प्रिंसिपल में कॉन्फिडेंशियलिटी है इतना भी लिख दूं तो भी चलेगा, बट क्लॉज का रेफरेंस आना चाहिए, सेकंड शेड्यूल पार्ट वन क्लॉज नंबर वन, वो आना जरूरी है। देखो, इन द इंस्टेंट केस बैंक हैज आस्क्ड द ऑडिटर फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हैविंग रिगार्ड टू द पोजिशन स्टेटेड अर्लियर, ऑडिटर कैन नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन विदाउट परमिशन फ्रॉम द क्लाइंट। जहां पर बात वर्किंग पेपर की आती है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, एंड ये उसका डिसीजन होगा उसको इसका एक्सेस थर्ड पार्टी को देना है या नहीं देना है। कोई लॉ के हिसाब से कंपल्शन नहीं है कि हमको ये इंफॉर्मेशन बैंक को देना ही पड़ेगा। अगर क्लाइंट बोलता है हाँ बैंक जो डिस्कशन के लिए इंफॉर्मेशन मांगता है आप शेयर कर दीजिए, तो बात अलग है, अनलेस परमिटेड बाय क्लाइंट हमने नहीं करना चाहिए। इफ यू डू दैट विल यू बी हेल्ड गिल्टी? एब्सोल्युटली, अंडर सेकंड शेड्यूल पार्ट वन क्लॉज नंबर वन। स्पेंड वन मिनट, रीड द आंसर, आई एम श्योर अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और ज्यादा आ रहा होगा। सिचुएशंस कैसे आएंगे, मुझे कैसे वो क्लॉज लिखना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल लिखनी पड़ेगी, फैक्ट ऑफ द केस पिक करना पड़ेगा और फिर कंक्लूड करना पड़ेगा कि ये अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? कुछ बच्चे फेस टू फेस बैठे, उनसे जरा बात कर रहा हूं मैं कि भाई उन्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। चलिए, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13। मिस्टर डी, अ प्रैक्टिसिंग सीए इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर सिंप्लिसिटर। याद करो डायरेक्टर के बाद किधर जिक्र हुआ था? क्लॉज नंबर 11 के अंदर अदर ऑक्यूपेशन वाला क्लॉज था। After 1 year of appointment, Mr. D resigned as a director. ओहो, ये इंटरेस्टिंग है। इधर वो ये नहीं बोल रहा है डायरेक्टर ऑडिटर बना के नहीं बना, इधर सिचुएशन अलग है। आप डायरेक्टर थे एक कंपनी के लिए, फिर आपने रिजाइन कर दिया एज ए डायरेक्टर, और अब आप क्या बनना चाहते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना चाहते हैं सेम कंपनी का। क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं ऑडिटिंग का पोजीशन? याद करो, सुनो, एक कंपनी का मैं डायरेक्टर था, जब मैं उस कंपनी का डायरेक्टर था तब मैं ऑडिटर बन ही नहीं सकता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अरे यस और नो, अब अगर मैं एज ए डायरेक्टर रिजाइन कर देता हूं तो क्या मैं ऑडिटर बन सकता हूं? बन सकता हूं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पर याद करो, आपको मैंने सेकंड शेड्यूल पार्ट वन क्लॉज नंबर फोर, जहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाया था, वहां पर याद है कि इंटरेस्टिंग चीज मार्क कराई थी कि काउंसिल ने रेकमेंड किया है 2 साल तक का कूलिंग पीरियड, रेजिग्नेशन से 2 साल तक आपने इस कंपनी से दूर रहना चाहिए। यह आपका रोटेशन वाला कूलिंग पीरियड नहीं है, डायरेक्टरशिप से रिजाइन करने के बाद का कूलिंग पीरियड है, 2 साल तक आपने इस कंपनी से दूर रहना चाहिए, उसके बाद में आप क्या बन सकते हो? स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकते हो। एक्चुअली मैं क्लॉज नंबर 4 लिखने के लिए लिखेगा, बट ये आंसर क्लॉज 4 के बजाय उस गाइडलाइन के ऊपर है। देखिए, एज पर सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 4, देखो मैं भी आपके जैसे क्वेश्चन पढ़ती डायरेक्टर सिंप्लिसिटी देखकर के एक्साइटेड होके क्लॉज नंबर 11 में चले गया फर्स्ट शेड्यूल के, पर इसीलिए क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए और फिर सोचना चाहिए। पर ऑब्वियसली या तो वो क्लॉज 11 में जा सकता है या सेकंड शेड्यूल के क्लॉज नंबर 4 में जा सकता है पार्ट 1 के अंदर। देखो क्या बोलता है, एज पर सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 4, अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट If he expresses his opinion on any business in which he has a substantial interest. अब देखो, नीचे 141 का reference दे रहा है,
देखो 141 तो आपको बोलता ही है ना, इफ यू आर अ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी और अ की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी, उस कंपनी को ऑडिट मत करो। पर अभी तो हमने वहां से रिजाइन कर दिया है ना, तो 141 के रिक्वायरमेंट का रेलेवेंस नहीं है, वो लिखने के लिए लिख रहा है। 141 इज नॉट रेलेवेंट हियर। सुनो, 141 कब रेलेवेंट होता है बच्चों? कंपनी एक्स वाई जेड है, मैं उसका भी डायरेक्टर हूं, क्या मैं अभी इसका ऑडिटर बन सकता हूं? क्या नहीं? ये मुझे 141 प्रोहिबिट करता है। बट अब मैं डायरेक्टर भी नहीं हूं, रिजाइन कर चुका हूं, तो क्या अब मैं ऑडिटर बन सकता हूं? एज पर 141 तो बन सकता हूं, बट फिर इनका कूलिंग पीरियड जो 2 साल का है वो हमने पढ़ा था क्लॉज नंबर 4 के अंदर। देखो, 141 प्रोहिबिट करता है अ मेंबर फ्रॉम ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी इफ ही इज एन ऑफिसर और एम्प्लॉई। इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि एक लाइन पढ़िएगा, एज पर क्लैरिफिकेशन इशूड बाय काउंसिल, मार्क करना, A member shall not accept assignment of audit for a period of 2 years from the date of completion of his tenure as a director. मतलब from the date of resignation, 2 साल तक मैंने उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बनना चाहिए। इस केस में हम डायरेक्टर थे, रिजाइन करने के बाद में 1 साल के अंदर अंदर हमने ऑडिट पोजिशन एक्सेप्ट कर लिया, तो हम गलत हो जाएंगे। अगर ऐसा करेंगे, वी विल बी हेल्ड गिल्टी। देखो, मैंने सेम चीज आपको पढ़ाई थी, मैं आपको चाहिए तो रेफरेंस भी ढूंढ के देता हूं पूरा का पूरा, आपने कैसे अप्रोच करना चाहिए इसीलिए बता रहा हूं। देखो बच्चों, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाना गलत है, सिर्फ क्लॉजेस पढ़ना भी गलत है। पहले क्लॉजेस डिटेल में पढ़ो जो हमने अप्रोच लगाया, देन यू गो टू द क्वेश्चंस, यू विल फील फार मोर कंफर्टेबल, आपको स्ट्रेस ही नहीं आएगा। ये डेंजरस क्वेश्चंस है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का, कोई भी आंसर कर लेता। ये 2 साल वाला क्राइटेरिया याद होना चाहिए, इसीलिए जब आपको हर एक चीज पढ़ाया जाए। देखो, cooling off period after completion of term as a director, number 16 mark karwa ke vidhi hai, specifically bola tha ye 2 saal criteria hai, aap isliye jo main approach bol raha hu wo follow karoge to aise kuch bhi puch le, koi dikkat nahi aayega। ab aise question mein na ya to pata hai 2 saal criteria ya nahi pata hai, pata hai to pure 3-4 number mil jayenge aur nahi pata hai to pura zero mil jayega। isliye bata raha hu, डिटेल्ड रीडिंग एथिक्स का जरूरी है, इसीलिए हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया। मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लगाया, उड़ाने का बिल्कुल ट्राई नहीं किया एथिक्स को। आई हैव स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज आई नो एक क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। यू नो दैट रियली वेल, वो सब्जेक्ट का 40 का नंबर क्रॉस करना, ओवरऑल ग्रुप में एग्रीगेट में हेल्प करना, उसमें काफी एसेंशियल है। और ऐसे क्वेश्चन तो यार बोनस मार्क्स है, अगर अंडरस्टैंडिंग है, पता है कि भाई ये क्राइटेरिया है, जो पता होना ही चाहिए ना यार, यू विल बी अ क्वालिफाइड सीए आफ्टर दिस एग्जामिनेशन। ये एक्सपेक्टेशन आपसे होता है आईसीआई का, जाने दीजिए। आर यू कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन? मजा आ रहा है थोड़ा सा? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं जानबूझ के इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, मैं जानबूझ के क्लॉज के अंदर ऐसे सिचुएशन वाले क्वेश्चन ले रहा हूं जो शायद नॉर्मली बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो इग्नोर करेगा। चलिए आइए 19.14, रीड क्वेश्चन नंबर 18। मिस्टर ए, अ प्रैक्टिसिंग सीए, अग्रीड टू सेलेक्ट एंड रिक्रूट पर्सोनल। एक प्रैक्टिसिंग सीए अग्री करता है, हम आपके लिए लोगों को सेलेक्ट करेंगे, रिक्रूट करेंगे, फिर कंडक्ट करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट, जिसका हम क्या प्रोवाइड नहीं कर रहे, अश्योर है। मतलब सुनिए, हम एक क्लाइंट के लिए एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे, ट्रेनिंग करके देंगे, बट इस क्लाइंट के लिए हम अश्योरेंस सर्विस नहीं देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में अलाउड था? हाँ, मैंने, आप नोटिस कीजिएगा, कुछ सर्विसेज आपको स्पेसिफिकली मार्क करवा के दी थी। आइए चेक कीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पहले ढूंढा। अरे आई नो, आई बीन टीचिंग फॉर इयर्स, आई नो व्हाट आईसीआई हैज बीन आस्किंग फॉर लास्ट 7-8 इयर्स। ये क्वेश्चन आज नहीं है, 8 साल पहले भी पूछा गया है। आई नो आईसीआई रियली वेल, आई नो हाउ दे विल फ्रेम क्वेश्चंस, आपको कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। डीम सीए इन प्रैक्टिस वाला सेक्शन निकाल लिया, डीम सीए इन प्रैक्टिस, लेट मी फाइंड आउट, इट विल बी आफ्टर आवर क्लॉजेस, पेज नंबर 19.73। देखो, टीम सी इन प्रैक्टिस, लिस्ट ऑफ सर्विसेज, अब चेक करो कि आपने सर्विस नंबर 12 को मार्क किया हुआ है क्या। लोगों को रिक्रूट करना था, ये ऐसे का फेवरेट क्वेश्चन था बहुत साल पहले से, रादर पहला क्वेश्चन जो बनाया था ना इन्होंने, इस पे बनाया था।
आई एम टेलिंग यू आई नो रियली वेल कि वो कौन से सर्विसेज के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है. क्या ये काम हम प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ. अगर मैं उस कंपनी को अश्योरेंस सर्विस भी दे रहा होता तो ये 144 में प्रोहिबिटेड बन जाता. फिर मैं ये 144 की वजह से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाता. बट अगर मैं अश्योरेंस सर्विस नहीं दे रहा हूं तो क्या ये सर्विस दे सकता हूं? यस. देखो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 अ मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ सॉरी अ मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस व्हेन इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप फॉर अ रेम्यूनरेशन ही प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेस. क्या उन्होंने आपको ये सर्विस प्रोवाइड करना अलाउ किया है? यस. डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेस इंक्लूड्स पर्सोनल रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन. कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. यू आर नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. अगर मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता अलॉन्ग विथ अश्योरेंस सर्विसेस तो गलत हो जाएगा. तब मैं बोलेगा कि भाई आई कैन बी हेल्ड गिल्टी. इन दिस केस क्लियरली बोल रहा है आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी अश्योरेंस सर्विस. तो भाई ये सर्विस दे सकता हूं क्या? एब्सोल्यूटली विदाउट एनी डाउट. मैं जानबूझ के वो क्वेश्चन पिक कर रहा हूं जो जनरली एक बच्चा अवॉइड करेगा बट आईसीआई जरूर रोटेशन के तरीके से पूछते जाएगा. कैन वी गो नेक्स्ट? चलिए अगला क्वेश्चन 19 पे आ जाइए. इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन. रीड करना बहुत जरूरी है. सब कुछ ठीक लगते हुए भी एक वर्ड की वजह से आंसर में गलती मिल सकती है. मिस्टर एक्स एंड वाई पार्टनर्स ऑफ अ सीए फर्म वन इंचार्ज ऑफ अ हेड ऑफिस. दोनों पार्टनर है. एक हेड ऑफिस का इंचार्ज है दूसरा इंचार्ज ऑफ अ ब्रांच. At a distance of 80 किलोमीटर from the municipal limits. सुनिए याद है 50 किलोमीटर का रेस्ट्रिक्शन था. क्वेश्चन में देखो दो पार्टनर है दोनों के दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है. ठीक है एक हेड ऑफिस का इंचार्ज है दूसरे ब्रांच का इंचार्ज है और दोनों ब्रांच में डिस्टेंस जो बता रहे हैं ना म्यूनिसिपल लिमिट से 80 किलोमीटर का बता रहे हैं. मतलब सेपरेट ब्रांच इंचार्ज चाहिए. सेपरेट ब्रांच इंचार्ज है. प्रॉब्लम उधर नहीं है. प्रॉब्लम आगे है. पुट्स अप अ नेम बोर्ड ऑफ द फर्म. किधर? इन बोथ द प्रीमाइसेस. मतलब ब्रांच ऑफिस के बाहर भी नेम बोर्ड लगाया है और अपने हेड ऑफिस के बाहर भी नेम बोर्ड लगाया है. चलेगा. ऑफिस के बाहर नेम बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड ऑल्सो इन देयर रेस्पेक्टिव रेसिडेंसेस. उधर प्रॉब्लम है. घर के बाहर आपका नाम और चार्टर्ड अकाउंटेंट आ सकता है. फर्म का नाम नहीं आ सकता है. फर्म के नाम का बोर्ड जिधर लगाया वो प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है. तो सर दोनों ब्रांचेस के अंदर आपने बोर्ड लगाया है फर्म का नाम उसमें दिक्कत नहीं है. रेसिडेंस दैट इज घर के बाहर आपने ये नहीं करना चाहिए था. तो देखो द काउंसिल हैज डिसाइडेड दैट विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ अ नेम बोर्ड देर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन टू पुट अप अ नेम बोर्ड इन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ अ मेंबर विद द डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंट प्रोवाइडेड नेम प्लेट इंडिविजुअल मेंबर का है ना कि फर्म का. अगर पार्टनर ने अपना नेम बोर्ड ऑफ द फर्म ऑफिसेस में लगाया कोई दिक्कत नहीं है. बट कहां नहीं लगाना चाहिए था? रेस्पेक्टिव रेसिडेंस में नहीं लगाना चाहिए था. यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गिल्टी है. डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सेपरेट ब्रांच इंचार्ज एग्जिस्ट करता है. वो डिस्टेंस आपको परेशान करने के लिए दिया था कि आप डिस्टेंस पे चले जाओ जबकि एक्चुअली उसका रेलेवेंस ही नहीं था. यहां पर रेसिडेंस पे आपका नेम बोर्ड विद द फर्म नेम नहीं आना चाहिए. समझा क्या? Please understand ISAC. इसमें अभी चार मार्क के लिए क्या चार पॉइंट लिखोगे आप? स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि भाई क्या अलाउड होना चाहिए क्या अलाउड नहीं है. आपने क्या किया और क्यों गिल्टी हो आप? खत्म बात है. आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? ये सब लेटेस्ट ISAC स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है. जानबूझ के पहले लेटेस्ट ISAC स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन से पढ़ा रहा हूं. मेजोरिटी वो कवर होने चाहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा. बच्चों ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये देखने से पहले आपने पहले तीन लेक्चर ढंग से देखे हैं पूरा रिवीजन किया है तो इसका फायदा होने वाला है वरना ये बाउंसर जाएंगे पूरे के पूरे. चलो लेट्स गो टू अ गुड क्वेश्चन जहां थोड़ा आपको और ट्रबल हो. मजा आएगा. आ जाओ. बढ़िया क्वेश्चन मिल गया मेरे को. 19.18 क्वेश्चन नंबर 25 मस्त क्वेश्चन है. याद है क्या? टेंडर्स के लिए हम रेस्पॉन्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्लॉज नंबर 6 के अंदर टेंडर्स के रिगार्डिंग एक एक्सेप्शन था. इफ टेंडर्स आर एक्सक्लूसिवली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड मिनिमम फीस मेंशन नहीं किया है तो आप उधर टेंडर भर के नहीं दे सकते हो. बट अगर टेंडर्स आर ओपन टू अदर्स ऑल्सो तो क्या मैं टेंडर्स भर के दे सकता हूं? हाँ. उसमें डाउट था क्या डिपॉजिट अगर मांगा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD डिपॉजिट तो आप दे सकते हो क्या? कुछ बहुत बड़ा अमाउंट है तो अलाउड नहीं होता है. कुछ अगर रीजनेबल अमाउंट है तो अलाउ किया था. देखो क्वेश्चन क्या बोलता है. Messrs. LMN, a firm of chartered accountants, responded to a tender
एक फर्म ने टेंडर को रेस्पॉन्ड किया, किसने मांगा था, स्टेट गवर्नमेंट ने, फॉर द कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। फॉर दिस पर्पस द फर्म हैज ऑल्सो पेड 50,000 एज अ डिपॉजिट, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ टेंडर। अब ये कोई ऑडिट के लिए टेंडर थोड़ी है, ये कोई जनरल सर्विस के लिए टेंडर है, मतलब ये सर्विस कोई और भी प्रोवाइड कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी प्रोवाइड कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी प्रोवाइड कर सकता है, मतलब दिस इज ओपन टू अदर्स ऑल्सो। तो कैन आई रेस्पॉन्ड टू सच टेंडर्स, यस। क्या मैं इसके लिए डिपॉजिट भी दे सकता हूं, हाँ, अगर रीजनेबल अमाउंट है, 50,000 का अमाउंट रीजनेबल लग रहा है, प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। विल यू बी हेल्ड गिल्टी इन दिस केस, नॉट एट ऑल, पर आपको बताना तो पड़ेगा क्लॉज नंबर 6 में नॉर्मली क्या अलाउड नहीं है और क्यों इसको अलाउ किया है। देखिए फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 6, इट लेज डाउन द गाइडलाइंस फॉर रेस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स। एज पर द गाइडलाइंस, इफ अ मैटर रिलेट्स टू एनी सर्विस अदर देन ऑडिट, अगर ऑडिट होता तो वो एक्सक्लूसिव चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हो गया, तब मिनिमम फीस मेंशन होनी चाहिए थी, वरना आप रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि अदर देन ऑडिट है तो आप रेस्पॉन्ड कर सकते हो। फर्दर इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन एक्सक्लूसिव एरियाज, मेंबर्स क्या रीजनेबल अमाउंट डिपॉजिट के फॉर्म में दे सकते हैं, हाँ, इस केस में ऑडिट वाला काम नहीं है, अमाउंट रीजनेबल लग रहा है, तो हमें नहीं लगता है आपने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कमिट किया है। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बहुत थरो रीडिंग ही करना पड़ेगा, आप ऊपर ऊपर से क्लॉज नंबर याद करके चले जाओगे, कोई फायदा नहीं है उस शॉर्टकट मेमोरी टेक्निक का। अगर मेरे को पता ही नहीं है टेंडर वाला चीज क्लॉज नंबर 6 में, क्या फायदा हो क्लॉज नंबर 6 याद होने का, किधर लिखा उसने क्लॉज नंबर 6 पूरा बताओ मेरे को। Even if I don't write entire clause number 6 here, I still get marks. It's about tender वाले के concept, किस clause में किधर लिखा हुआ है। अगर मैं इधर clause number 6 ना भी लिखूं और फिर भी ये बता दूं कि tender के लिए guideline क्या थी, किधर allowed है किधर allowed नहीं है, I still should get majority marks. ICI reasonable है मेरे हिसाब से, बिना clause number के भी अगर आपने पूरा content बराबर लिखा ना, शायद पूरा marks देगा आपको। अब समझो, इसीलिए पढ़ने का अप्रोच थोड़ा बदलो, आईसीए का क्वेश्चनिंग का अप्रोच भी बदल सकता है न्यू सिलेबस में, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आर यू गुड, आगे बढ़े, थोड़ा मजा आ रहा है क्या, ऐसा लग रहा है क्या, दिमाग चैलेंज हो रहा थोड़ा बहुत। अगर आप 50% भी सही जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 50% में एटलीस्ट कनेक्ट कर पा रहे हो, ताकि अगली बार जब एक क्वेश्चन देखोगे तो दिक्कत नहीं आएगा। एथिक्स में पहले थरो रीडिंग, फिर जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है। एथिक्स इज द ओनली चैप्टर वेयर आई वांट यू टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, अदर देन एथिक्स प्रैक्टिस कम भी क्या चलता है, डिटेल स्टडी बार बार करते रहना चाहिए। एथिक्स में डिटेल स्टडी एक दो बार करना चाहिए, फिर प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि इधर क्वेश्चंस बहुत अलग अलग आ सकते हैं, एंड क्वेश्चंस रिपीट होते हैं यहाँ पे बहुत सारे, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करोगे तो रिपीटेड नेचर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं, आइए 19.22 क्वेश्चन नंबर 34। मिस्टर एक्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग। ऐसा लग रहा है कि एनओसी के रिगार्डिंग है कि हमने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए फिर ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, ही हैज ऑल्सो फेल्ड टू अर्सर्टेन वेदर द कंप्लायंस ऑफ 139 एंड 140। एक ही क्वेश्चन में दो चीज डाल दी है, क्लॉज नंबर 8 था एनओसी लेना फिर ऑडिट एक्सेप्ट करना, 9 बोलता है ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले उन्होंने 139 एंड 140 का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है वो भी इंश्योर करना। कहना इसे दोनों नहीं किया है तो यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर श्योर, एंड दोनों क्लॉजेस का रेफरेंस आएगा क्या, हाँ, कौन सा, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 8 एंड क्लॉज नंबर 9। पढ़ो आराम से समझ में आएगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले 8 लिखेगा, यू शुड कम्युनिकेट विद द इनकमिंग ऑडिटर शुड कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। 9 में क्या बोलेगा, यू विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर आप एक्सेप्ट करते हो अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर विदाउट असर्टेनिंग कि कंपनी ने 139 एंड 140 के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है। इन दिस केस आपने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट किया विदाउट कम्युनिकेटिंग प्लस आपने कंप्लायंस भी इंश्योर नहीं किया, यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बोथ क्लॉजेस 8 एंड 9। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है ना, ऐसे क्वेश्चन में गलती हो ही नहीं सकती है यार। आर यू फीलिंग कंफर्टेबल, चलिए आगे जाते हैं। हाँ, मजेदार क्वेश्चन है 19.24, दिमाग लगाना, छोटा सा क्वेश्चन है बट एप्लीकेशन बढ़िया है। मिस्टर ए
a practicing chartered accountant, took over as a position of executive chairman. Word kya hai? Executive chairman. मतलब वो बोल रहा है तुम यहां पे day to day execution का part बनने वाले हो. Chairman, याद करो अगर आप किसी भी कंपनी में MD या whole time director बनना चाहते हैं, MD and chairman similar माने जाते हैं, तो आपको normally special permission लेना पड़ता है council से. पहले permission, बाद में ऐसा पर अपने position accept करना चाहिए. तो देखो आपने एक software company का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पोजीशन एक्सेप्ट किया. कब एक्सेप्ट किया? 1 अप्रैल को. और 10 अप्रैल को अप्लाई किया काउंसिल से परमिशन. कहना इसे तुमने गलती किया है, पहले परमिशन लेना चाहिए, बाद में काम करना चाहिए. किधर आएगा ये? अदर ऑक्यूपेशन क्लॉज है आपका, क्लॉज नंबर 11, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1, क्लॉज नंबर 11. अ मेंबर इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एंगेजेस इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन सीए अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल. He took over as a position of executive chairman on 1st April and applied for a permission on 10th. On the basis of these facts, wo other occupation mein engaged tha 10 din ke liye without the permission of counsel. Will he be held guilty of professional misconduct? Absolutely. Aap to better answer likh sakte ho कि पहले हमको स्पेशल प्रायर परमिशन चाहिए होता है, बाद में ऐसा पोजीशन एक्सेप्ट करना चाहिए. यू कैन राइट दिस सेंटेंस एंड देन यू से इन दिस केस उन्होंने पहले पोजीशन एक्सेप्ट किया, बाद में परमिशन के लिए अप्लाई किया, तो सर यू विल बी हेल्ड गिल्टी. मतलब अगर वो कॉन्सेप्ट आता है तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके लिखने में आपको कुछ समय लगने वाला नहीं है अकॉर्डिंग टू मी. आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? आगे जाएं थोड़े अभी सेकंड शेड्यूल रिलेटेड क्लॉजेस में जाएं क्या? देखो फर्स्ट शेड्यूल रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हो गए, अब थोड़े सेकंड शेड्यूल रिलेटेड क्लॉसेस में जाएंगे, क्वेश्चंस में जाएंगे, पर एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं फर्स्ट शेड्यूल के अराउंड. देखो फर्स्ट शेड्यूल में चैलेंजिंग क्वेश्चन के अंदर आपको बोलता हूं मैं, फर्स्ट शेड्यूल में ना पार्ट 1 के अंदर ट्रिकी पार्ट है क्लॉज नंबर 6 और 7, जो आपके एडवर्टाइजमेंट वाले क्लॉजेस थे. ठीक है, 6 और 7 में दिमाग लगाने का. उसके अलावा क्लॉज नंबर 11 जो आपका प्रोफेशन और अदर ऑक्यूपेशन वाला क्लॉज था, ये तीन में दिमाग लगाने की जरूरत है. इसके अलावा बाकी तो दिक्कत नहीं आएगा. अब सुनो, फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 किसके लिए एप्लीकेबल था? सीए इन प्रैक्टिस. पार्ट 2 किसके लिए था? सीए इन सर्विस. पार्ट 3 किसके लिए था? सीए जनरली. उसमें याद है क्या पहला क्लॉज था? नॉट एन एफसीए बट यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज एन एफसीए. दूसरा था इंस्टीट्यूट ने, काउंसिल ने या किसी कमिटी ने इंफॉर्मेशन मांगा, तुमने इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं. गलत नहीं, तुमने इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं. कहां गिल्टी हो? फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2 के अंदर. आप वो एक अच्छा क्लॉज था मेरे हिसाब से जहां पे क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसा ही एक आध एग्जांपल डिस्कस करते हैं. आइए, मिस्टर जी व्हाइल अप्लाइंग फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कभी कभी स्ट्राइक ही नहीं होगा कि मैं गलती किधर कर रहा हूं. सीओपी के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू डिड नॉट फिल इन द कॉलम्स जहां पे इंफॉर्मेशन देना था अबाउट योर एंगेजमेंट इन अदर ऑक्यूपेशन और बिजनेस. मतलब सीओपी के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू आर एक्चुअली एंगेज्ड इन अ बिजनेस, बट आप उधर कुछ इंफॉर्मेशन भरते ही नहीं हो. तो इनडायरेक्टली जब मैं फॉर्म भर रहा हूं तो क्या ना इसे इंस्टीट्यूट को, काउंसिल को मैंने इंफॉर्मेशन देना चाहिए? क्या मैंने इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं? अगर जान मुझे गलत इंफॉर्मेशन दिया होता तो सेकेंड शेड्यूल में जाता, इधर इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है तो किधर कवर हो जाएगा? फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2. देखो As per first schedule part 3 clause number 2, a member shall be held guilty. Member in practice नहीं है, ये सारे members के लिए applicable है. A member shall be held guilty. सुनो, ये तो COP के लिए apply कर रहा है, तो आज तो practicing है ही नहीं उसके पास certificate. तो part 3 जो है सारे members के लिए applicable किया है. So a member shall be held guilty whether in practice or not if you do not supply information which is either called for or does not comply with the requirements asked for. Form भरते वक्त requirement है institute का, council का, कि आपने ये information देना चाहिए. In this case, while applying for COP, you did not fill the column which required information about your other occupation. Details of engagement in business should be disclosed while applying for COP. It is a requirement by the institute. You will be held guilty under first schedule part 3 clause number 2. मजेदार क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में स्ट्राइक नहीं होते हैं, प्रिपरेशन करके रखो. लेट देम आस्क दीस क्वेश्चंस, यू शुड बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू मी. पढ़िए, स्पेंड 1 मिनट, अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ेंगे.
ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 43, एक्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉयड अ पेड असिस्टेंट विद अ सीए फर्म, एम्प्लॉयड एज अ पेड असिस्टेंट मतलब यू आर ऑल्सो वर्किंग एज अ एम्प्लॉई, लीव्स द सर्विस ऑफ द फर्म ऑन 31 दिसंबर, डिस्पाइट मेनी रिमाइंडर्स फ्रॉम आईसीआई ही फेल्स टू रिप्लाई रिगार्डिंग द डेट ऑफ लीविंग द सर्विस। आप एक फर्म में काम भी करते थे, वहां से आपने छोड़ दिया है, आप इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, सेम क्लॉज है, सेम गलती है, इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना कहां कवर किया जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2, सेम चीज आएगा, नो डिफरेंस, आपने इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, यू विल बी हेल्ड गिल्टी। दोनों क्वेश्चन बढ़िया लगते हैं मेरे को। चलो अब थोड़ा सेकंड शेड्यूल में एंटर करेंगे, 19.28 क्वेश्चन नंबर 45। सेकंड शेड्यूल में ट्रिकी पार्ट जो है ना वो है क्लॉज 5, 6, 7, 8, उधर दिमाग लगाने का जरूरत है। देखो, मिस्टर पी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज इनवाइटेड बाय चैंबर ऑफ कॉमर्स टू प्रेजेंट अ पेपर इन द सिंपोजियम ऑन द इश्यूज फेसिंग इंडियन लेदर इंडस्ट्री, मतलब आपको बुलाया है गाइडेंस टॉक वगैरह के लिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज प्रेजेंटेशन he shared some of the vital information of client's business under the impression that it will help the nation to compete with other countries. kya inhone client ke bare mein important confidential information public platform pe share kar diya, ha confidentiality breach ho gaya hai, aap duniya ka help karo, country ka help karo, koi dikkat wala baat nahi hai, confidentiality breach nahi kar sakte ho, aap thoda smart tarike se without talking about a client indirectly information share kar sakte ho, but confidentiality breach nahi hona chahiye. kahan cover hoga? second schedule part 1 clause number 1, पढ़ लीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। सेकंड शेड्यूल के अंदर क्लॉज 1 वगैरह आसान है। आगे बढ़े क्या? चलो लेट्स गो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बढ़िया है, कुछ दो तीन क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा। मिस्टर जे अ चार्टर्ड अकाउंटेंट During the course of audit, came to know that the company has taken a loan of 10 lakh. Sir, आप audit कर रहे हो एक company का, आपको पता चला, you came to know, मतलब you are aware, कि company ने एक loan लिया 10 lakh का from a employee's provident fund. The loan was not reflected in books of accounts. However, auditor ignored this information in the audit report. ये बहुत challenging question है यार। अब 10 lakh material है कि नहीं अपने को कैसे पता? बट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, तो ये मटेरियल फैक्ट भी है और मटेरियल स्टेटमेंट भी है, ये तो क्लॉज 5 और 6 दोनों में आना चाहिए। आईसीआई का आंसर में क्लॉज 5 दिया है, ऑनेस्टली 5, 6 कुछ भी आ सकता है, इस सजेस्टेड आंसर में 5 लिखा हुआ है, ये 6 भी कवर कर सकता है। देखो, एज पर क्लॉज 5 अ सीए इन प्रैक्टिस विल बी हेल्ड लाइबल फॉर मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटीरियल फैक्ट नोन टू him which is not disclosed in the financial statement. mera ek observation hai, generally jab tak wo khud na bol de ki yaar ye galti lag rahi hai, it sounds to be important to my users, matlab wo khud material statement ko define na kar de, material fact zarur mana jata hai and clause number 5 to by default aa jata hai. isme 5 6 dono bhi likh doge tab bhi yaar real life ke hisab se to galat nahi hona chahiye, but ICA ke answer mein 5 diya hai. ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा केयरफुल रहिएगा, रिपीट होते हैं तो 5 यूज करना है, अनफॉर्चुनेटली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ना है और ढंग से मार्क करके रखना है। अ प्रैक्टिसिंग सीए वाज अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट अ कंपनी बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज, प्रैक्टिसिंग सीए को टैक्स अथॉरिटीज के सामने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हायर किया। He submitted certain information and explanation to the authority. कुछ information explanation authority को दिया on behalf of client. मतलब client ने कुछ information दिया होगा जो अपने submit किया है authorities को, जो ultimately क्या पाए गए, they were found to be false and misleading. मतलब सुनिए, मुझे hire किया गया है to represent a client in front of authorities. Client ने कुछ information submit करने के लिए बोला, हमने वो information उनके behalf पे submit किया, अब वो information गलत निकला, अब आपको क्या लगेगा, गिल्टी तो है, वो इंफॉर्मेशन गलत है, हमने फिर भी सबमिट कर दिया। देखो, इधर क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट है, इधर क्वेश्चन में ये नहीं बोला दैट यू आर अवेयर दैट द इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, क्वेश्चन में ये नहीं बोला दैट यू आर अवेयर द क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इज मिसलीडिंग, इसमें माना है, अजम्पशन है, आपको तो पता ही नहीं था इंफॉर्मेशन में कोई गलती है, आपने तो एज इट इज क्लाइंट ने जो बोला सबमिट कर दिया, तो उन्होंने बोला आप गिल्टी नहीं हो,
उन्होंने क्या बोला, आप गिल्टी ही नहीं हो। अगर क्वेश्चन में होता दैट ऑडिटर वॉज अवेयर दैट द इंफॉर्मेशन इज फॉल्स और मिसलीडिंग, फिर भी उसे सबमिट कर दिया, विल बी हेल्ड गिल्टी इन दैट केस? यस। यहां पर इन्होंने 5 और 6 क्लॉज दोनों लिखे हैं, पर लास्ट में खुद ही आंसर बदल दिया। देखो पहले 5 लिखा क्लॉज मटेरियल फैक्ट वाला, फिर 6 लिखा क्लॉज कौन सा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाला, फिर देखो इन द गिवन केस ये हैड सबमिटेड द स्टेटमेंट बिफोर अथॉरिटीज, दी स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, ऑल दो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड वर बेस्ड ऑन इनकरेक्ट फैक्ट्स एंड मिसलीडिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली सबमिटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट, हेंस द सीए वुड नॉट बी हेल्ड लायबल। उन्होंने अज्यूम किया है आपको पता ही नहीं है। अब ये बहुत ट्रिकी है, ऐसा कैसे अज्यूम कर सकते हैं? तो ऐसा मान के चलो जब तक क्वेश्चन में ना लिखे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आप इसके बारे में अवेयर नहीं थे। घटिया है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, यू हैव टू बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल इन क्वेश्चन नंबर 47 अकॉर्डिंग टू मी। आगे बढ़ेंगे, चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 49, पेज नंबर 19.30। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो मिस्टर डी अ प्रैक्टिसिंग सीए डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क रिलेटेड टू द ऑडिट फॉर द कंपनी, ही हैज ऑल्सो नॉट सबमिटेड हिज ऑडिट रिपोर्ट ऑन अ टाइमली बेसिस। मतलब भाई तुम यूज़लेस हो, ना तो ढंग से ऑडिट कंप्लीट कर रहे हो ना रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो। अब एक क्लॉज नंबर 7 तो क्लियर है, आप ड्यू डिलीजेंटली काम नहीं कर रहे हो या आप क्या हो, ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो। अब इधर कोई लोग दिमाग लगा सकते हैं कि भाई आपने ऑडिट का काम कंप्लीट नहीं किया, मतलब बराबर इन्फॉर्मेशन भी ऑब्टेन नहीं किया है, सफिशियंट इन्फॉर्मेशन जो आपने लेना चाहिए बिफोर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, क्लॉज 8 भी आ सकता है। 7 कंफर्म आएगा, ऐसे डाउटफुल सिचुएशन में 7 हमेशा लिखने का, बहुत सीरियस लगे तो 8 इंक्लूड कर देना, अदरवाइज 7 विल डेफिनेटली कम। जहां पर लगे आपने ढंग से काम नहीं किया है, क्लियरली देख के लगता है जो आपने किया है वो सही नहीं है या आपने काम ही नहीं किया, दोनों केस में 7 पकड़ा जाएगा। पढ़िए, इफ ही डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट, मिस्टर डी हैज नॉट कंप्लीटेड हिज ऑडिट वर्क, ऑल्सो नॉट सबमिटेड हिज रिपोर्ट, तो हम बोलेंगे यू आर गिल्टी। अब डेंजरस क्वेश्चन दिखाता हूं अगला वाला, 50 इज अ गुड क्वेश्चन। मिस्टर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वॉज द ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, द इन्वेस्टमेंट अपियर्ड इन द बैलेंस शीट एट 12 लाख, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट दिख रहा था, प्रीवियस ईयर के लिए भी सेम दिख रहा था, ओके बाद में पता चला कंपनी का इन्वेस्टमेंट ओनली 25,000 का था, गुड जोक, बुक्स में 12 लाख दिख रहा है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 25,000, but the value of investment was inflated for the purpose of obtaining higher amount of back loan. aisa fir bank kaise kar dega yaar, normally bank bhi credit worthy se value dung se karna chahiye, ab inka question hai, argument nahi karte, books mein investment ko bahut zyada inflate karke dikhaya, matlab auditor ne dung se kaam nahi kiya, he was grossly negligent, usne dung se information obtain nahi kiya to support his opinion. ab clause 7 bhi aayega, clause 8 bhi aayega, idhar ek clause aur likha hai, inhone clause number 2 bhi likha hai, 7-8 aata hai, clause number 2 kya tha, अगर मैंने एक कंपनी का ढंग से ऑडिट नहीं किया है फिर भी रिपोर्ट को साइन कर दिया है, यहां पर 2 भले ही आपको स्ट्राइक नहीं होगा, 7-8 जरूर स्ट्राइक होगा, मेरे हिसाब से उतना आंसर भी अप्रोप्रिएट है। कुछ कुछ आंसर में वो कैरिड अवे हो जाते हैं, वो खुद ही अपने हिसाब से एक आध क्लॉज लिख देते हैं, 7-8 डेफिनेटली इस क्वेश्चन में आना चाहिए। देखो एज पर सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1, a CA shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he certifies or submits in his name or in the name of his firm a report on examination of financial statement unless the examination is conducted by himself or by his partner or his employee or another CA in practice. ye kahan se aata hai, clause number 2 se aata hai, fir ड्यू डिलीजेंटली काम नहीं किया, ग्रॉसली नेग्लिजेंट है, कहां से आता है, क्लॉज नंबर 7 से आता है, या यू फेल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन जो ओपिनियन के लिए नेसेसरी है, दैट इज क्लॉज नंबर 8, मतलब इनडायरेक्टली 2, 7, 8 तीनों लिखा है। 7, 8 से मैं डेफिनेटली अग्री करता हूं कि आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो, यहां पे आप ढंग से इंफॉर्मेशन भी नहीं ऑब्टेन कर रहे हो ओपिनियन तक आने के लिए, 8 में भी कवर होते हो, गिल्टी तो कंफर्म हो इस केस के अंदर, तो सर मिस्टर ए शैल बी लाइबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज नंबर 7-8 कन्फर्म है, इन्होंने 2 भी लिख के दिया है। ऐसे कुछ कुछ केसेस मिलेंगे आपको जब मल्टीपल क्लॉजेस का एप्लीकेशन, देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन ना एक आता आएगा, इसकी वजह से डीमोटिवेट मत हो, सर मेरे को वहां स्ट्राइक कैसे होगा, 7-8 तो स्ट्राइक होगा, एटलीस्ट 70-80% योर आंसर इज राइट, और कोई बड़ा बात नहीं, आईसीए का ऑल्टरनेटिव आंसर रहेगा, चाहे वो बोलेगा सिर्फ 7-8 लिखने वाले को भी मार्क्स दो, 2, 7, 8 लिखने वाले को भी मार्क्स दो,
यू गेट माई पॉइंट. ऐसा ऑल्टरनेटिव आंसर भी बहुत बार होता है, तो प्लीज इसको दिल पे मत लीजिएगा. एक आध क्वेश्चन में मल्टीपल क्लॉजेस वाले सिनेरियो में प्रॉब्लम आ सकता है, अदर देन दैट मेजोरिटी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपको देखने को मिलेंगे. आई थिंक काफी डिस्कशन हो गया, कोई एक आध क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा वरना लगेगा कि सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में नहीं कर दिए. कुछ जो डिफिकल्ट वाला है वो कर लेते हैं. चलो 53 काउंसिल गाइडलाइन के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल तो हो गया, काउंसिल गाइडलाइन के क्वेश्चन देख लेते हैं. अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल नॉट एक्सेप्ट इन अ ईयर मोर देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट्स. याद है क्या स्पेसिफाइड नंबर 60 था, ठीक है, पर याद है क्या 5 पार्टनर है इनटू 60 300 टैक्स ऑडिट आ सकते हैं, एक का एक साइन कर सकता ऑल 300, आप गिल्टी नहीं हो, वही क्वेश्चन है ये. मिस्टर जी इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म जहां पे 6 पार्टनर है, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर जी ने 290 ऑडिट साइन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है यार. देखो 60 × 6 360 ऑडिट आ सकते हैं, 360 में से 290 किसने साइन कर दिया, एक पार्टनर ने साइन कर दिया, बाकी पार्टनर ने मिला के कितने साइन करना चाहिए 70 करने चाहिए. अगर वैसा है तो काउंसिल गाइडलाइन के हिसाब से ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. याद रखना अज्यूमिंग मिस्टर जी एस साइन 290 एंड रिमेनिंग पार्टनर्स आर साइनिंग ओनली 70 तो मिला के 360 हो गया. पढ़ाया था आपको काउंसिल गाइडलाइन में, या तो आता है या नहीं आता है, मतलब इधर स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है. काउंसिल गाइडलाइन ये देखो आगे, मिस्टर सी क्वेश्चन 54 एक्सेप्टेड स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ पीएसयू जिसका नेटवर्थ क्या है नेगेटिव है. याद है क्या सिक्योरिटी का डेफिनेशन, इसका नेटवर्थ क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाता है. द ऑडिट वॉज टू बी कंडक्टेड फॉर 2022-23 लास्ट ईयर ही वो क्या है नेगेटिव नेटवर्थ है. द ऑडिटेड अकाउंट्स शोड अ लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ ऑडिट फीस, कितने का 15,000 का. अरे प्रीवियस ईयर का ऑडिट फीस पेंडिंग है, मैंने इस साल का ऑडिट लेना चाहिए क्या, नॉर्मली नहीं लेना चाहिए अनलेस द कंपनी इज अ सिक्योरिट. सिक्योरिट के लिए कंडीशन क्या थी, इफ इट इज हैविंग अ नेगेटिव नेटवर्थ. तो देखो अगर नेगेटिव नेटवर्थ है, याद करो प्रीवियस ईयर का ऑडिट फीस अगर पेंडिंग है उसके लिए क्या क्राइटेरिया था, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हुए हैं जिसमें प्रोविजन बनाया हुआ है, दोनों ने अग्री किया है, तो सर ये अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है. इफ इट इज पेंडिंग अगले साल आप ऑडिट एक्सेप्ट मत करना अनलेस वो कंपनी सिक्योरिट है. उस केस में प्रॉब्लम है ना, वो पैसा नहीं पे कर सकता है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो. इधर आप एक्सेप्ट कर सकते हो क्योंकि सिक्योरिटी है. अ मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट्स अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ अ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस विच इज पेंडिंग एज पर द प्रोविजो सच प्रोहिबिशन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ सिक्योरिटी. एंड सर वहां नेटवर्थ क्या होगा, नेगेटिव होगा, सिक्योरिटी का डेफिनेशन है, पढ़ाया आपको ये चैप्टर नंबर 7 ऑफ काउंसिल गाइडलाइन, याद आया क्या. क्वेश्चन 55 पढ़ के देखो जरा, क्वेश्चन पढ़ते ही याद आ जाएगा आपको. एज अ ऑडिटर टर्नओवर 200 करोड़ है, ऑडिट फीस 50 लाख है, कंपनी ए को ऑफर करता है मैनेजमेंट कंसर्न. अरे भाई नॉर्मली कर ही नहीं सकता है वो, 144 प्रोहिबिट करता है. बट याद करो अगर अदर सर्विसेज दे दिया उसका रेम्यूनरेशन कितना है 1 करोड़, अदर सर्विसेज का रेम्यूनरेशन शुड नॉट एक्सीड द ऑडिट फीस. यहाँ पे ऑडिट फीस कितना 50 लाख है, वैसे तो 144 प्रोहिबिटी करता है, बट काउंसिल गाइडलाइन के हिसाब से भी आपने ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इट विल बी अ मिसकंडक्ट. कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते लास्ट. चलो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, 61 पढ़ लो, 19.37 लास्ट क्वेश्चन. CAN was appointed as an auditor of Jal Limited. Company has branches all over state of Haryana. In consultation with management, they decided to visit 6 out of 10 branches. Management decided to pay him advance 2 lakh rupees against the estimated expense of 2.5 lakh, जो उनको विजिट के बेसिस पे करना पड़ेगा. मतलब अब ब्रांचेस विजिट वगैरह करेंगे, खर्चा होने वाला है 2.5 लाख का एस्टिमेटेड खर्चा है, उसके अगेंस्ट में 2 लाख रुपए एडवांस क्लाइंट आपको दे रहा है. As agreed, 2 lakh was transferred in the bank account, which was used to meet all the expenses. Comment with reference to the chartered accountant whether action of N of receiving advance money in his savings account and not keeping in a separate account is valid. Yaad karo, second schedule, part 1, clause number 10. बोलता है आपने क्लाइंट से अगर पैसा लिया वो सेपरेट अकाउंट में आना चाहिए, बट गाइडलाइन क्या बोलती है, अगर ये आपके ऑडिट से रिलेटेड है, कुछ एक्सपेंस मीटअप करने के लिए होने वाला है, तो इसको आप रिसीव कर सकते हो इन योर अकाउंट. देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देर इज नो मिसकंडक्ट, इस केस में अलाउ किया जाएगा, कोई मिसकंडक्ट नहीं होने वाला है. देखो
अब एक बात समझिए मेरा बात, अब 2 मिनट के लिए एक बेसिक गाइडेंस सुन लीजिएगा मेरे हिसाब से। आप जब एथिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एथिक्स, सिंपल 3 चीजें, पहले बराबर से फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, काउंसिल गाइडलाइंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शन, लास्ट में फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल में कोई एक आध क्वेश्चन आ गया तो बात अलग है, नोकलार पे कोई एक आध क्वेश्चन आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, काउंसिल गाइडलाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे हमने ऑलमोस्ट 5.5-6 घंटे इन्वेस्ट किया इसके ऊपर। बराबर से रिविजन करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हमने लगभग एक ऑलमोस्ट अपने बुक के अंदर 70s में कुछ क्वेश्चन रखे होंगे, मेरे हिसाब से 78 क्वेश्चन रखे हुए। ये करने के बाद भी आपको लगता है और टाइम है, आप पुराने वाले किसी भी कंपाइलेशन से और क्वेश्चंस निकालो, कोई दिक्कत नहीं। जितना सॉल्व करोगे एथिक्स में उतना कॉन्फिडेंस आएगा। एथिक्स में अंडरस्टैंडिंग एक बार दो बार, रिवीजन एक दो बार, बाद में सिर्फ क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस। इन ऑल अदर चैप्टर्स फोकस मोर ऑन रिवीजन एंड लेस ऑन क्वेश्चंस। व्हाई सो? बिकॉज़ वहां पर क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल नहीं है, यहां क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल है। और वेटेज 20 मार्क का है यार, 20 मार्क का पेपर अगर यहां से आ रहा है, एंड इफ आई एम सुपर कॉन्फिडेंट इन दिस चैप्टर, पासिंग बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए। स्टैंडर्ड्स, एथिक्स, एज आई ऑलवेज से, 6 न्यू चैप्टर्स, ये 3 अगर आप जम के कर लो, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑब्वियसली मिसलेनियस चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ, बट ये 3 आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट था बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एक आध बार एग्जाम लिखा होगा, बहुत सारे बच्चे May 24 new syllabus में पहली बार लिखने वाले हैं, आपको अप्रोच पता होना चाहिए था। वी आर अराउंड फेब एंडिंग नाउ, आई वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड खुद से पढ़ाई करते वक्त मैं कैसे रिवाइज करूं, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करूं। और ये जो फियर है ना कि भाई सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, बिल्कुल समझो, सिर्फ क्वेश्चन देखने से भी कुछ नहीं होने वाला है। और कुछ एक आध क्वेश्चन मिस कर दिया ना, इट्स ओके, पहले पूरा कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल सीक्वेंस में कर लो, फिर क्वेश्चंस पे जाओ, फिर प्रैक्टिस करके आपको फायदा मिलेगा। आई होप दिस वाज अ गुड एफर्ट, आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपके लिए काफी कॉन्फिडेंस बूस्टर रहा होगा। थैंक यू ऑल, आई विल सी यू ऑल वेरी सून, बाय बाय, हैव अ गुड डे।